हेलो एवरीवन, बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेंगटन इक्वेशन। तो कभी कभी ऐसे दे देता है, या तो वेंगटन इक्वेशन प्रूफ करो या ये इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो वेंगटन इक्वेशन के लिए कल मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें इसकी बेसिक चीज़ें मैंने बता दी थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वेंगटन इक्वेशन। तो प्रूफ में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एन वन एन टू और एन टर्म आ रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले प्रूफ को समझना और उसके स्टेप जानना ज़रूरी होता है। तो जो स्टेप होते हैं वो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग में ही दे रखे रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसी तरीके से पता करेंगे कि एन वन और एन टू होते क्या हैं। बेसिकली एन वन और एन टू हम लोगों को दे दिया है, हमको पता है। यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एन वन आएगा और वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एन टू आएगा। लेकिन ये एक्चुअली में एन वन एन टू लाई कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। उसके बाद एन वन एन टू किसी तरीके से निकाल के उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहले जानते हैं एन वन और एन टू है क्या। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ये हम लोगों का वन होता है। ठीक है, अब एन डॉट एन लिखा है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन कैप का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये भी क्या आएगा, वन आएगा। अब देखिए हमें एन वन पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू हम लोग कर देते हैं। तो जब यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इनमें एक तरीके से देखिए मल्टीपल वाला रूल लग जाएगा, या क्या कहते हैं यहाँ पे एन आर की पावर एन माइनस वन वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा टू एन। और जब एन का फिर से होगा यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉट में एन वन आ जाएगा और ये बराबर जीरो। तो यहाँ पर जो बचेगा एन डॉट एन वन बराबर जीरो, ये इस तरीके से कुछ हमारा आ गया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो देखिए एन कैप और डॉट एन वन, मतलब इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर जा रहा है, जीरो के बराबर जा रहा है। मतलब ये एक दूसरे के क्या रहे होंगे, परपेंडिकुलर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको यू की जगह वी के रिस्पेक्ट में कर दें तो हमें जो मिलेगा वो एन कैप डॉट एन टू बराबर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो एन वन और एन टू जो हैं वो एन कैप के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। मतलब अगर इस तरीके से एक प्लेन हम लोग देख लें, ये होता था प्लेन, इसमें होता था यहाँ पर आर वन और यहाँ पर एक होता था वेक्टर आर टू, और ये एन होता था, ये हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था इस प्लेन पे, टेंजेंट प्लेन बोलते थे। तो देखिए एन वन और एन टू दोनों क्या दे रखे हैं, इसके परपेंडिकुलर, मतलब लाइक किसमें करेंगे। एन वन भी इस प्लेन में लाइक कर रहा होगा, ऐसे प्लेन में जिसमें आर वन आर टू लाइक करते हैं, और एन टू भी इस प्लेन में लाइक कर रहा होगा जिसमें आर वन और आर टू लाइक कर रहे हैं। तो इतनी बात को लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए वही चीज़ लिख दिया, एन वन एन टू जो हैं बहुत परपेंडिकुलर हैं एन कैप के। ठीक है, तो एन वन एन टू जो हैं लाई करेंगे इस ऐसे प्लेन में जिसमें आर वन और आर टू क्या हो रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब एन वन इस प्लेन में है आर वन आर टू वाले में, तो एन वन को आर वन आर टू का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, सो यहाँ पर हम लोग एन वन कैप को हम लोग लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ए कोई हम लोगों का कॉन्स्टेंट दिया है, प्लस बी आर टू इस तरीके से दिया, इसको हमने इक्वेशन वन मान ली। एंड इसी तरीके से क्या करेंगे, एन टू को भी हम लोग लिख देंगे। एन टू को अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये जो कोफिशियंट है इसको चेंज कर देंगे, सी आर वन प्लस डी आर टू इस तरीके से कर दिया, इसको हमने इक्वेशन टू दे दिया। अब कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक चीज़ याद रखनी है, पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें पहले आर वन का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे हम लोग, फिर आर टू का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं आर वन आर टू का, क्योंकि जो हमने सेकेंड फंडामेंटल वैक्टर्स बताए थे उसमें एन वन डॉट आर वन था, एन वन डॉट आर टू करके एल एम और एन के मान निकले थे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में पहले आर वन आर टू का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दूसरी इक्वेशन में आर वन आर टू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे जिसमें से ए और बी एलिमिनेट करेंगे, और यहाँ से सी और डी। तो चलिए पहले वाले में क्या करते हैं, हम लोग आर वन का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, यानी फ्रॉम वन। पहले वाले में जब आर वन का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ पे एन वन डॉट आर वन आएगा, इसी तरीके से ए आर वन डॉट आर वन यहाँ पर आएगा, और प्लस बी आर वन डॉट आर टू इस तरीके से आ जाएगा हम लोगों का। फिर देखिए एन वन डॉट आर वन क्या होता था, ये एल बराबर होता था हम लोगों का माइनस एन वन
डॉट आर वन, तो एन वन डॉट आर वन दिया तो ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी माइनस का एल यहाँ पर बचेगा। ये हमने कल के आपको लेक्चर में बताया था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वन स्क्वायर होता था फर्स्ट फंडामेंटल वेक्टर, जिसको हम लोग ई एफ जी कहते थे, तो ये ई हो गया, और प्लस इसको हम लोग बोलते थे एफ, तो यहाँ पर बी एफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन थ्री का नाम दे देंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने यहाँ पे आर वन की मल्टीप्लाई कराई, अब इसी में जब आर टू का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे माइनस एल आया था, तो कल के लेक्चर से याद करेंगे तो यहाँ पे माइनस का एम आएगा इस पर इस इसमें, ठीक है। तो फिर अगेन फ्रॉम वन, अब की बार इसमें क्या कराया हमने, एन वन डॉट आर टू कराया, तो यहाँ पर आ गया ए आर वन डॉट आर टू प्लस बी आर टू डॉट आर टू, इस तरीके से हो गया। और ये जो हो जाएगा माइनस एम ए एफ प्लस बी जी, इसको इक्वेशन फोर कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इक्वेशन जो हमारी दी गई है वन, ठीक है, और थ्री और फोर, वन और थ्री और फोर, क्योंकि वन से ही थ्री फोर बनी है, इसलिए वन थ्री फोर से हम लोग किसी तरीके से ए और बी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, यानी फ्रॉम वन थ्री एंड फोर एलिमिनेट ए एंड बी, हम लोग ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। तो इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं मैट्रिक्स बना करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस तरफ क्या दिया है, एन वन दिया है हम लोगों को, तो हमने एन वन लिख लिया। यहाँ क्या दे रखा, माइनस एल, तो हमने एल लिख लिया। इधर दे रखा माइनस एम, तो ये एम लिख लिया। फिर ए और बी के कोफिशियंट लिख लेते हैं, यहाँ पे आर वन आर टू दे रखे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर ई एफ और यहाँ पर एफ और जी दे रखा, और इसको इक्वल में हमने जीरो पे लिख लिया है, ठीक है। तो इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, नहीं तो जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो देखिए उसको सॉल्व करने पे हमारी ये इक्वेशन आई, इसको हमने फाइव मान लिया है, ठीक है। अब जिस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने आर वन का पहले डॉट प्रोडक्ट कराया था, फिर आर टू का कराया था, उसी तरीके से अब हम लोग क्या कर लें, इक्वेशन सेकेंड में भी कर लें। तो यानी लिखेंगे सिमिलरली, पहले हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर आर वन का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। तो आर वन का कराने पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, सी ई प्लस डी एफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सिक्स। और फिर से जब आर टू का कराएंगे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस का एन बराबर यहाँ पर आएगा सी एफ प्लस डी जी, इस तरीके से दो इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए सारी इक्वेशन दो से बनी है, तो दो छः और सात को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे, फ्रॉम टू सिक्स एंड सेवन एलिमिनेट सी एंड डी। इस बार हम लोगों को क्या मिली है, सी और डी मिला है, तो सी और डी को हमें एलिमिनेट करना है। तो इससे चलिए हम लोग सी और डी को एलिमिनेट करते हैं, उसी तरीके से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इस बार यहाँ आएगा एन टू कैप, और यहाँ पर आर वन आर टू, और यहाँ पे माइनस एम, और यहाँ पे माइनस एन, यहाँ पर ई एफ, और यहाँ एफ और जी, इसको लिख करके इक्वल में जीरो कर लेंगे। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने पर हमें मिल गया है इक्वेशन एट। तो अब देखिए यहाँ से एन वन हम लोगों को एक तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, यहाँ से एन टू दिख रहा है, और हमें क्या लाना था प्रूविंग में, एन वन क्रॉस एन टू कुछ लाना था। तो क्या करते हैं हम लोग, फाइव और एट इक्वेशन का क्या कर ले लेते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो फाइव और एट का हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एच की पावर फोर आ जाएगी, यहाँ पर एन वन क्रॉस एन टू कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आर वन क्रॉस आर टू ये बाहर आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर आएगा एफ एम माइनस एल जी। देख लीजिएगा अगर कहीं गलत हो तो प्लीज़ कमेंट में करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हो नहीं सकता कि मेरा भी हर जगह सही ही हो।
आर वन यहाँ पर आएगा एल एफ माइनस एम ई, और आएगा यहाँ पर एन एफ माइनस एम जी, इस तरीके से आएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर जो है आर वन आर टू देखिए यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हम लोगों को, और बीच में क्या आ जाएगा इस, ये जब इसका ऑर्डर चेंज होगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से आर वन क्रॉस आर टू हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर जो बचेगा हमारा वो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका पहले होगा तो एफ स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा माइनस एफ एम ई एन आएगा माइनस एल जी एफ एम आएगा, उसके बाद में प्लस एल जी ई और एन, इस तरीके से आएगा। ये हो गया हमारा वो। अब यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज किया था। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो एल एन एफ स्क्वायर माइनस एल एफ एम जी आया, और ये देखिए एल एफ एम जी, इसके साथ में माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। और फिर यहाँ पे आएगा माइनस एम एन ई एफ प्लस एम स्क्वायर ई जी, इस तरीके से आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो रहा है इसके साथ में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी चीज़ें बची हैं उतनों को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं आर वन क्रॉस आर टू, देखिए आर वन क्रॉस आर टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग एन कैप को लिखते थे क्या, आर वन क्रॉस आर टू अपॉन मॉड ऑफ आर वन क्रॉस आर टू, और ये हो जाता था हमारा क्या, एच हो जाता था नीचे वाला। ठीक है, एच को इधर ले आओ तो एच एन कैप बराबर क्या हो गया, आर वन क्रॉस आर टू। तो यानी आर वन क्रॉस आर टू की जगह एच एन कैप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसकी जगह। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एच एन कैप लिख लेते हैं, और जो बचे हुए टर्म हैं उनको हम लोग लिख देते हैं एफ स्क्वायर और एम स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस एल जी ई एन माइनस एल एन एफ स्क्वायर, और यहाँ से माइनस एम स्क्वायर ई जी। ठीक है, इतने टर्म आ गए हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ से एल एन कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कॉमन, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो चलिए इनसे क्या करते हैं, उस तरीके से कॉमन ले लेते हैं एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एल एन को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर। अब देखिए एम स्क्वायर लेने से सिर्फ नहीं बनेगा कुछ, तो माइनस का एम स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या ई जी माइनस एफ स्क्वायर बच गया आपका। ठीक है, आप देखिए दोनों से ई जी माइनस एफ स्क्वायर कॉमन ले लें, यानी एच एन कैप यहाँ हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर, यहाँ एल एन माइनस एम स्क्वायर बचा। हम लोग जानते हैं ई जी माइनस एफ स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एच क्यूब एन कैप, और यहाँ पे एल एन माइनस एम स्क्वायर, इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे अपना क्या था, एच की पावर फोर, यहाँ पर एन वन क्रॉस एन टू हम लोगों का ये रहा था। तो देखिए एच की पावर फोर और एच क्यूब है, तो इस एच क्यूब से क्या होगा, पावर फोर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो लास्ट में जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, एच, इसको सही से लिख देते हैं क्योंकि यही हमारी प्रूविंग थी, एच एन वन क्रॉस एन टू बराबर यहाँ पर बचना था एन कैप, और यहाँ पे एल एन माइनस एम स्क्वायर। तो देखिए यही हम लोगों को प्रूफ करना था बहुत ही जी। सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि क्या कहते हैं एन वन और एन टू क्या होते हैं, किस प्लेन में लाई करेंगे, और जिस प्लेन में लाई करेंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने उसको लिख दिया। फिर बारी बारी आर वन आर टू में पहली इक्वेशन का किया तो वहाँ से ए बी एलिमिनेट किया, फिर आर वन आर टू का सेकेंड इक्वेशन में किया वहाँ से सी डी एलिमिनेट किया, तो हमें एन वन एन टू में दो टर्म मिल गए थे, उनको हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया है। और क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद में हमारी डायरेक्ट वैल्यू मिल गई कैलकुलेशन करने के बाद। तो कुछ है नहीं वेंगटन इक्वेशन में, काफ़ी इजी है वेंगटन इक्वेशन। और अगर आपने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा तो इसके कुछ नोटेशंस जो ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे, तो पिछला लेक्चर आप लोग हमारा देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।